राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है किशोर बच्चों के नैतिक विकास के दौरान आने वाली समस्याओं पर आधारित कार्यक्रम बचपन। दोस्तों, हम सब के साथ कभी कभी ऐसा होता है, मेरा मतलब है हमें ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है कि जिसका हल ढूंढने के लिए हमें अकेले ही फैसला करना होता है। हम कई बार चाह कर भी इन फैसलों में किसी को शामिल नहीं कर पाते, और शामिल करना भी चाहें तो जरूरी नहीं कि कोई हमारी मुश्किल हल करने में हमारी मदद करे। इस हालत में हमें काफी तकलीफ होती है। हम इतने अकेले पड़ जाते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। हम ये नहीं समझ पाते कि क्या गलत है क्या सही, या हम इन मुश्किलों को कैसे हल करें। ये मुश्किलें कैसी हैं, ये मुश्किलें क्या हैं, यही बताने की कोशिश कर रहा है ये कार्यक्रम बचपन। बचपन श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम का शीर्षक है झूठ। एक था मनोज, वो आठवीं कक्षा में पढ़ता था। वो माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके पिताजी एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे। एक दिन वो दफ्तर से लौटे तो अपनी पत्नी से बोले, अरे भगवान, सुनती हो, कल सुबह हम गांव चल रहे हैं। गांव? अचानक? मगर क्यों? अरे गांव में फसल कट के बिक चुकी होगी, चलो इस समय जाएंगे तो बाबूजी कुछ पैसे वैसे दे देंगे। कल सुबह चलते हैं, दोपहर को वहां पहुंच जाएंगे। परसों इतवार है, वहां से शाम को चलेंगे और रात को यहाँ वापस। अच्छा ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। मगर बाबूजी कल तो मुझे स्कूल जाना है। अरे तो कल स्कूल की छुट्टी कर लीजो, एक दिन स्कूल ना जाएगा तो फेल हो जाएगा क्या? बाबूजी इम्तिहान निकट है, मास्टर जी पूछेंगे छुट्टी क्यों की तो क्या बोलूँगा? अरे बस इतनी सी बात, कह दीजो कि तू बीमार था। मगर बाबूजी ये तो झूठ है। अरे झूठ है तो क्या हुआ? लेकिन बाबूजी। अरे लेकिन वेकिन छोड़ और जल्दी से गांव चलने की तैयारी कर। मगर स्कूल। अरे स्कूल के बच्चे, कहा ना कि झूठ बोल देना कि तू बीमार था। ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। शाबाश, अच्छे बच्चे माँ बाप का कहना मानते हैं। फिर मनोज बाबूजी के साथ गांव चला गया। गांव से लौटकर उसने मास्टर जी को यही कहा कि वो बीमार था, इसलिए एक दिन स्कूल नहीं आ सका। दिन इसी तरह गुजरने लगे। एक दिन मनोज ने बाजार में एक अनोखा खिलौना देखा। वो खिलौना एक रोबोट था जिसमें तरह तरह की बत्तियां जलती थीं और जो बैटरी से इधर उधर चल भी सकता था। मनोज को वो खिलौना बड़ा पसंद आया। उसने दुकानदार से पूछा, भैया जी। हाँ जी। ये क्या है? ये रोबोट है। रोबोट? हाँ। यानी मशीनी आदमी। अच्छा ये चलता कैसे है? इसमें बैटरी के सेल डालने पड़ते हैं, उससे चलता है। अच्छा, ये कितने का है? 250 रुपए का है। क्या 250 रुपए का? बाप रे बाप, इतना महंगा। अरे भाई लेना है तो बात करो, नहीं तो आगे बढ़ो। लेना तो है पर अच्छा ये कल मिल जाएगा? हाँ हाँ, कल भी मिल जाएगा और परसों भी मिल जाएगा। अब जाओ यहाँ से, जब पैसे हो तो ले जाना।
अच्छा ठीक है। मनोज उतर तो आया दुकान से, मगर दिल जैसे उसका उसी दुकान पर रह गया। घर आकर भी उसका दिल बार बार उसी खिलौने के बारे में सोचता। उसे लग रहा था कि अगर वो खिलौना उसके पास हो तो दोस्तों में उसकी कितनी धाक जम जाएगी, मगर वो ये खिलौना हासिल करे तो कैसे, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था। समस्या थी 250 रुपए जुटाने की। उसे मालूम था खिलौने के लिए उसे अम्मा बापू इतने ढेर से पैसे नहीं देने वाले, सो उसने रुपए हासिल करने के लिए झूठ बोलने का फैसला किया। बाबूजी, बाबूजी, क्या है रे मनोज? वो मास्टर जी ने 250 रुपए मांगे हैं। 250 रुपए? हाँ। क्यों? क्यों भाई? हाँ? इतने पैसे किस लिए चाहिए उन्हें? अरे सिर्फ मुझसे थोड़े ही मांगे हैं, सबसे मांगे हैं। हाँ। अरे भाई मैं ये पूछ रहा हूँ क्यों मांगे हैं पैसे? अरे आपको पता नहीं क्या, महाराष्ट्र में भूचाल आया है, उनकी मदद के लिए स्कूल वाले सबसे चंदा लेकर भेज रहे हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, वो? हाँ वो ठीक है, ठीक। हाँ। सुबह स्कूल जाते वक्त मुझसे ले लेना पैसे। अच्छा बाबू जी, अच्छा। मनोज के झूठ के झांसे में बाबूजी तो आ गए, मगर ये झूठ ज्यादा देर तक चल नहीं सका। हुआ यूं कि बाबूजी से 250 रुपए लेकर मनोज रोबोट ले आया और उसने उसे घर में कोयले की कोठरी में छुपा कर रख दिया। जब भी उसे मौका मिलता छुप छुप कर मनोज उस रोबोट से खेलता। मनोज उसे स्कूल भी ले गया। दोस्तों में उसकी बड़ी धाक जमी, मगर किसी ने उस रोबोट के बारे में मास्टर जी से कह दिया और मास्टर जी ने मनोज के बाबूजी को फोन पर सलाह दे डाली कि बच्चों को इतने कीमती खिलौने देकर स्कूल ना भेजें। बस इतना होना था कि सब भांडा फूट गया। बाबूजी ने मनोज के कान पकड़े और पूछा, क्यों मनोज, कहाँ से लाया इतना महंगा खिलौना? वो मेरा एक दोस्त है ना, उसने दिया है। हाँ। कौन से दोस्त ने? हाँ? चल अभी लेकर चल मुझे अपने उस दोस्त के घर। नहीं 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 बाबूजी, वो दोस्त तो शहर से बाहर गया हुआ है। हाँ बाहर गया हुआ है। अच्छा, इतनी जल्दी वो शहर से बाहर भी चला गया तेरा दोस्त? जी जी बाबूजी। अभी तुझे घर से बाहर करता हूँ, तब बताएगा तू सच। अरे अरे, क्या कर रहे हो बाबूजी? मैं सब्जी लेने क्या गई, घर में महाभारत शुरू हो गया। अजय अजय, मैं कहती हूँ छोड़िए बच्चे के कान। लो छोड़ दिए। अब अपने इस लाडले से ये पूछो कि ये इतना महंगा खिलौना कहाँ से लाया है, पैसे कहाँ से आए इसके पास? वो मैंने खरीदा है खिलौना। खरीदा है? पर पैसे किससे लिए? बाबूजी से। मेरे से? मेरे से पैसे लिए? कब? वो महाराष्ट्र में भूचाल वाली बात मैंने आपसे झूठ कही थी। क्या? हाँ, वो मास्टर जी ने चंदा नहीं मांगा था, वो मुझे इस खिलौने के लिए 250 रुपए चाहिए थे, सो मैंने। अरे, क्या तुमने मुझसे झूठ बोलकर पैसे लिए? ये झूठ बोलना तुमने कहाँ से सीखा? कहाँ से सीखा ये झूठ बोलना? हाँ दोस्तों, ये है वो सवाल जो हम आपसे भी पूछना चाहते हैं कि मनोज ने झूठ बोलना कहाँ से सीखा, या वो पिताजी के इस सवाल का जवाब क्या दे, या आप बताइए आप इस सवाल का क्या जवाब देंगे। हमारे सवाल का जवाब खोजने के लिए हमारी कुछ बातों पर गौर कीजिए। पहली बात, सच बोलने वाले
महापुरुषों की जीवनियां पढ़कर सोचिए कि उन्होंने सच बोलने का संकल्प कैसे पूरा किया। जब आपसे कोई झूठ बोलता है तब आपको बड़ा बुरा लगता है, मगर दूसरे को भी इस तरह बुरा लग सकता है झूठ बोलने से पहले, क्या आप ऐसा सोचते हैं? तीसरी बात, कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, इसका अर्थ समझिए। चौथी बात, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, इस बात का अर्थ समझने के लिए अपने मित्रों से इसकी चर्चा कीजिए। पांचवी बात, झूठ बोलने से हमारे नैतिक विकास में कैसे और क्या रुकावट आती है, इसके बारे में अपने अध्यापक से बातचीत कीजिए। बचपन, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम। भाग लेने वाले कलाकार राम मैनी, सुनीति कोहली, प्रवीण शर्मा, बाबला कोछड़ एवं आरती बख्शी, ध्वनिंकन सतीश लाड़े, निर्माण सहयोग वंदना आरिमर्दन तथा आलेख निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर।